हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं अपनी लाइफ में। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथ ही हमारी कंपनी फेजगी कंसल्टेंट के बिहाफ पर भी आई वेलकम यू। और आप हमारी कंपनी का नाम पीछे देख भी सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मास्टर्स इन डेटा साइंस इन फ्रांस। आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, एट प्रेजेंट इस टाइम कंप्यूटर की फील्ड में मास्टर्स इन डेटा साइंस कोर्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप इस टाइम किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, फॉर एग्जांपल लाइक बैंकिंग, ई कॉमर्स, इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, इसके अलावा हेल्थ केयर, किसी भी फील्ड की आप बात करें, हर जगह डेटा साइंटिस्ट की एक जॉब पोजिशन होती है और उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। आप सभी को पता है कि इस टाइम हर कंट्री ने डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन के जो लॉज होते हैं उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, ताकि कोई भी कंज्यूमर का डेटा का मिसयूज़ कोई भी कंपनी, कोई भी पर्सन ना कर पाए। इसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं उनको ये लॉज बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने पड़ते हैं। और इस काम को किसी भी कंपनी में अच्छे से मैनेज करने के लिए डेटा साइंटिस्ट की ज़रूरत होती है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है, ताकि कंपनी की गुडविल बनी रहे, इमेज अच्छी रहे और वो किसी भी लीगल इशू में ना फंसे। तो आप समझ सकते हो कि इस टाइम डेटा साइंटिस्ट की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा डेटा साइंटिस्ट के रोल्स होते हैं जिससे कंपनी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो डेटा साइंटिस्ट की जो फील्ड है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, उसके अंदर बहुत सारी फील्ड्स आप चुन सकते हो। फॉर एग्जांपल मशीन लर्निंग, डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सो बहुत सारे एरियाज़ हैं आप जहाँ पर काम कर सकते हो और अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो। तो आप इन शॉर्ट सब कुछ समझ सकते हो कि इस टाइम मास्टर्स इन डेटा साइंस करना आपके लिए कितना फ़ायदेमंद होगा। एट प्रेजेंट और फ्यूचर में आप बहुत ज़्यादा सक्सेस पा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ बेस्ट रीजंस जिसकी वजह से आपको अपना मास्टर्स इन डेटा साइंस फ्रांस से करना चाहिए। साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, ताकि जिससे आप मोटिवेट होकर फ्रांस को अपना डेस्टिनेशन ज़रूर चुने फॉर योर मास्टर्स इन डेटा साइंस। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करना, शेयर करना, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना, ताकि उससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिले हमारी नई वीडियोस के बारे में। तो आप डेली अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हो डिफरेंट कोर्स को लेके, वीज़ा को लेके, स्टडी को लेके। सो नाउ फाइनली विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ वो बेस्ट रीजंस जिसकी वजह से आपको फ्रांस को चूज़ करना चाहिए अपना मास्टर्स इन डेटा साइंस प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए। तो सबसे पहला जो बड़ा रीज़न है आपके पास वो ये है कि फ्रांस के अंदर बहुत सारे ग्रेजुएट स्कूल्स हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मास्टर्स इन डेटा साइंस प्रोग्राम को ऑफर करते हैं। कहीं पर जो कोर्स की ड्यूरेशन है वो एक साल है, कहीं पर डेढ़ साल है। तो आप क्या कर सकते हो, आप उनकी इंटरनेशनल रैंकिंग के अकॉर्डिंग अपने हिसाब से अपने फेवरेट ग्रेजुएट स्कूल को, पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी को चूज़ कर सकते हो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो ये कंसिडर करते हैं कि हम बिल्कुल बेस्ट ही चूज़ करेंगे जहाँ से हमें फ़ायदा होगा। सो हर एक ग्रेजुएट स्कूल की फ्रांस में अपनी रैंकिंग है, यूनिवर्सिटीज़ की अपनी रैंकिंग है, तो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हो जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि चॉइसेस बहुत हैं आपके पास, तो आप किसी भी ग्रेजुएट स्कूल को, किसी भी यूनिवर्सिटी को, पब्लिक और प्राइवेट को चूज़ कर सकते हो अपने मास्टर्स इन डेटा साइंस प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए। और अब मैं आपको बताता हूँ सेकेंड बेस्ट रीज़न जिसकी वजह से आपको फ्रांस को चूज़ करना चाहिए, और वो है अफोर्डेबल ट्यूशन फीस। ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है हमारे इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए कि वो चाहते हैं कि कम ट्यूशन फीस में अच्छी एजुकेशन मिल सके। तो फ्रांस को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बहुत अच्छी खबर है आपके लिए कि बहुत सारे ग्रेजुएट स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो यहाँ पर जो फीस की जो रेंज स्टार्ट होती है वो 10,000 यूरोज होती है कोर्स की फ़ीस। इसके बाद अब डिपेंड करता है कि दूसरे जो ग्रेजुएट स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पर 13,000 होगी, फिर 15,000 होगी, कहीं पर 18,000 होगी, कहीं पर 20,000 होगी।
तो अगर आपका बजट जो जो भी आपका बजट है, आप सोचते हो कि आप 10,000 अफोर्ड कर सकते हो, तो आपको वही फिर लैंग्वेज वही आपको ग्रेजुएट स्कूल यूनिवर्सिटी टारगेट करनी होगी। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो ट्यूशन फीस है वो 10,000 से स्टार्ट होती है, उसके बाद कहीं पर 13,000, कहीं पर 15,000, 18,000, 20,000, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो जाते हैं। तो आपका अगर बजट कम है तो आप यू कैन चूज़ एनी ग्रेजुएट स्कूल और यूनिवर्सिटी जहाँ पर फीस 10,000 है, 13,000 है, 15,000 है। सो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी फिनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हो अपनी यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट स्कूल, अपना मास्टर्स इन डेटा साइंस प्रोग्राम को परस्यू करने के लिए अपने बजट के अकॉर्डिंग। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं आपको बताता हूँ तीसरा बेस्ट रीज़न फ्रांस को चूज़ करने के लिए, और वो है आप अपना मास्टर्स इन डेटा साइंस विद इंटर्नशिप कर सकते हो फ्रांस के अंदर। तो आपको एक चीज़ बहुत समझनी होगी कि फ्रांस एक ऐसी कंट्री है जो फोकस करती है कि जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ाई करते हैं उनको थियोरेटिकल नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी दिया जाए। तो जो फ्रांस का एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपके पास ऑप्शन है कि आप वो यूनिवर्सिटी, ग्रेजुएट स्कूल चूज़ करो जहाँ पर आप इंटर्नशिप के साथ कर सकते हो। यानी कि ये ऑप्शन आपके पास होता है और ये बहुत वैल्यूबल ऑप्शन है आपके पास, क्योंकि इससे फ़ायदा ये होता है कि जब भी आप पढ़ाई करते हो तो आप स्टडी के साथ आपको फ्यूचर जॉब्स के लिए भी प्रिपेयर किया जाता है, ताकि आपको ये क्लियर रहे कि एग्जैक्टली जो भी आप अभी पढ़ाई कर रहे हो इसके बाद जो बाहर की लाइफ होगी, वर्किंग लाइफ होगी, वो इससे अलग होगी। तो आपको इंटर्नशिप के थ्रू ये मौका मिलता है कि आप प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन कर सको एक अच्छी खासी कंपनी में अपनी फील्ड से रिलेटेड। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है कि आप अपना कोर्स विद इंटर्नशिप कर सकते हो। इसके अलावा जो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद चीज़ होती है कि जब भी आप इंटर्नशिप करते हो अपने कोर्स के दौरान, तो आपको वो पेड इंटर्नशिप होती है। कहने का मतलब ये है कि यू गेट द मनी इफ़ यू डू इंटर्नशिप। आपको हर महीने 1,000 यूरो मिलते हैं, उससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं, 1,000 to 1,500 यूरोज पर मंथ। तो आप इमेजिन कर सकते हो इट्स लाइक अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। अगर आप फ्रांस में अपना ये कोर्स करते हो तो कोर्स भी करोगे आप, इंटर्नशिप भी करोगे आप, प्रैक्टिकल नॉलेज भी गेन करोगे, इसके साथ साथ आप मनी भी अर्न करोगे, जो बहुत ज़रूरी होता है एज ए स्टूडेंट। अगर आप रहते हो फ्रांस में तो उससे आपको अपने बहुत सारे खर्चों को पूरा करने में मदद मिलती है। सो आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीज़न है आपके पास कि अगर आप फ्रांस को चूज़ करते हो तो पढ़ाई के टाइम पर ही आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, वर्क एक्सपीरियंस, मनी यू कैन अर्न, थियोरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज। सो यू बिकम अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जब भी आप अपना कोर्स ख़त्म करते हो। सो आई होप ये बहुत ही वैल्यूबल रीज़न है जो मैं आपको दे रहा हूँ, इसका आपको ध्यान रखना है और आप फ्रांस को चूज़ ज़रूर कर सकते हो। जो भी मैंने आपको ये तीन रीज़न बताए हैं, बेस्ट अफोर्डेबल फीस, ये इंटर्नशिप का ऑप्शन जो है, इसके अलावा बहुत सारे आपके पास चॉइसेस हैं किसी भी ग्रेजुएट स्कूल को और या यूनिवर्सिटी को चूज़ करने के लिए। सो आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे तीन बेस्ट रीजंस जिसकी वजह से आपको फ्रांस को चूज़ करना चाहिए। एंड नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द बेनिफिट्स यू गेट व्हेन यू डू योर मास्टर्स इन डेटा साइंस इन फ्रांस। यानी कि आपको अब मैं बताता हूँ वो सारे बेनिफिट्स जो आपको मिलते हैं अगर आप अपनी पढ़ाई फ्रांस में करते हैं। जो सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वो होता है ह्यूज सैलरी। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये डेटा साइंस की जो पोजीशन होती है, अगर जब भी आप अपना कोर्स ख़त्म करते हो, जॉब के लिए अप्लाई करते हो, सो ऑब्वियसली यू यूज डिफरेंट पोर्टल्स, फॉर एग्जाम्पल लाइक ग्लासडोर, इंडीड। अगर आप यहाँ पर जाओगे और जॉब के लिए सर्च करोगे, अप्लाई करोगे, तो आपको देखने को मिलेगा कि जो आपकी एवरेज सैलरी होती है पर एनम वो ऑलमोस्ट लाइक 45,000 to 50,000 यूरोज होती है एज अ बिगिनर, मैं बात कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हो कि इस फील्ड की जो सैलरी है, जो सैलरी स्ट्रक्चर है, वो बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। सो आई थिंक डेटा साइंस अगर आप ह्यूज सैलरी से के नज़रिए से देखो तो इट्स अ वेरी
प्रॉफिटेबल लुक्रेटिव ऑप्शंस, करियर ऑप्शन फॉर यू। बहुत ज़्यादा बेनिफिट है अगर आप फ्रांस से करोगे, क्योंकि फ्रांस में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जहाँ पर आप जॉब करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा बिग बेनिफिट, और वो है फ्रांस जो है इंडिया के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको 2 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट देता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप अपनी पढ़ाई सक्सेसफुली, अपना मास्टर्स इन डेटा साइंस प्रोग्राम सक्सेसफुली कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपको 2 साल का वर्क परमिट मिलता है। जिसका मतलब बिल्कुल सिंपल है, जैसे ही आप पढ़ाई ख़त्म करोगे आपको जॉब मिलती है तो आप फ्रांस के अंदर रह सकते हो। इसके बाद जब भी आपके 2 साल भी ख़त्म होते हैं आप जॉब करते रहते हो, आपके पास कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप टैक्सेस पे करते हो, उसके बाद भी फ्रांस में आप रह सकते हो। तो बहुत सिंपल है ये जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है, इससे बहुत फ़ायदा होता है कि आप पढ़ाई ख़त्म करो उसके बाद भी 2 साल तक आप रहो, उसके बाद भी फ्रांस में रहते जाओ जैसे जैसे आपका जॉब का कॉन्ट्रैक्ट होता है, आप टैक्सेस पे करते हो। सो ये 2 ईयर्स का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, इट्स अ बिग बिग बेनिफिट यू हैव। अब बात करते हैं तीसरे बिग बेनिफिट की, और वो है पार्ट टाइम जॉब राइट्स। जब भी आप फ्रांस में पढ़ाई करने आते हो एज अ स्टूडेंट, तो आपको 20 आवर्स इन अ वीक पार्ट टाइम जॉब का राइट्स मिलता है, और ये अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट है, क्योंकि आप पढ़ाई करते करते पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं और उसके साथ पैसे भी कमा सकते हैं, जिससे आपको अपने जो खर्चे होते हैं, अकोमोडेशन का जो रेंट होता है, ट्रांसपोर्ट, फूड, जो भी आपके खर्चे होते हैं उसको कुछ हद तक उनको पूरा करने में आपकी जो अर्निंग होती है पार्ट टाइम से, उससे आपको बहुत मदद मिलती है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बेनिफिट है, और जब भी आप फ्रांस में आते हो तो आपको इसका बेनिफिट का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट बिग बेनिफिट, और वो है स्टार्टअप इन फ्रांस। फ्रांस को स्टार्टअप का हब माना जाता है। जब भी आप अपनी पढ़ाई ख़त्म करते हो आपको ऑब्वियसली पहले से बहुत ज़्यादा नॉलेज भी होती है, और पढ़ाई करने के बाद भी नॉलेज होती है, आप इंटर्नशिप करते हो उसके बाद भी आपकी नॉलेज इन्हांस होती है, आपको काफ़ी प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है फ्रांस के अंदर। सो आपके पास एक बहुत अच्छा मौका होता है कि आप खुद से अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हो, और उसके लिए आपको बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है और फ्रांस की सरकार भी है जो फंडिंग करती है। सो आपको एक अच्छा सा प्लान बनाना होगा और उस पर वर्कआउट करना होगा, तो आप खुद भी एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो फ्रांस के अंदर। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यू हैव टू बैंक अपॉन द जॉब कि किसी कंपनी को अप्रोच ही करना है, आप खुद भी एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। सो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आप खुद का स्टार्टअप भी फ्रांस के अंदर स्टार्ट कर सकते हो, अपनी नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हो, टैलेंट का, स्किल्स का, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा, आप खुद के बॉस बन सकते हो। तो इस बेनिफिट का भी आपको फ़ायदा उठाना होगा, आप अपना स्टार्टअप भी स्टार्ट कर सकते हो फ्रांस के अंदर। सो आई होप कि इस वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, कौन से वो बेस्ट रीज़न है जिसकी वजह से आपको मोटिवेट होकर फ्रांस को चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बेनिफिट्स भी बताए हैं। सो ओवरऑल अगर आप फ्रांस को चूज़ करोगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, आपने जो भी फ्यूचर के प्लान्स बनाए हैं वो सब आप फ्रांस में पूरे कर सकते हो। सो फ्रांस को डेफिनेटली आपको चूज़ करना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है एडमिशन लेने में फ्रांस में अपने चॉइस ऑफ कोर्स में, तो आप हमारी भी हेल्प ले सकते हो, हम बेस्ट प्रोफेशनल कंसल्टेंट हैं फ्रांस को लेकर, दूसरी कंट्रीज़ को लेकर भी। तो अगर आपको एडमिशन लेना है फ्रांस में, कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है, तो हम हर चीज़ में आपकी हेल्प कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर फ्रांस जाते हो तो फ्रेंच लैंग्वेज सीखना भी कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट होता है, तो हम फ्रेंच लैंग्वेज भी सिखाते हैं ताकि जो भी स्टूडेंट और कोई भी जॉब के लिए जा रहा है तो उसको काफ़ी मदद हो और वो फ्रेंच बेसिक सीख ले। तो हमारे पास सारे सोल्यूशन है एडमिशन के लिए, वीज़ा के लिए, लैंग्वेज के लिए। आप हमसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हमारे ऑफिस मिल सकते हो, एंड वी विल मेक श्योर कि आपको कोई दिक्कत ना हो और आपकी सारी समस्याओं का हल हम निकाल सकें। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करना, शेयर भी करना, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बटन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि उससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और आप हमारी डेली नई वीडियोस देखकर अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमसे Instagram पे पूछ सकते हो, क्योंकि हम हमेशा एक्टिव रहते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम वहाँ पर आपको रिस्पॉन्ड करें, आपके क्वेश्चन का आंसर दें। सो फाइनली थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम, बेस्ट ऑफ लक, एंड हमेशा अपना ध्यान रखिए।